अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हमारे सब्सक्राइबर भी बोल सकते हैं, हमारे दोस्तों भी बोल सकते हैं, वो बच्चे की फाइनली गोरी छुकरी मिल गई है तो लड्डू ला के दिए। अल्लाह ताला सबके भी जोड़े इसी तरह से बना दे। मैं भी बहुत कोशिश करी थी तो नसीब में कहाँ है वहाँ ना होता है। चलिए अल्लाह ताला का शुक्र गुजार रही, दोस्ती हो गई है। चॉकलेट डे भी हो गया, थर्टी बेयर डे भी हो गया, रोज़ डे भी हो गया, तो वीडियो अब डाल रही हूँ। मेरी तरफ से पूरे डे आपको मुबारक हो। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ, आप सोच रहे हो। देखिए यहाँ पर दो बच्चों को लेके जा रही हूँ, कहाँ जा रही मिलो हमें सरप्राइज। तो आप बने रहिए वीडियो पे कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर जा रहे हैं, रोज़ क्वालिटियाँ मिलती है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता, उस टाइम हमें नहीं जाते काम भी। अब दो दिन से इन खास खास बहुत क्लोज बुलाने वाले उससे जा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली। 100 रुपीज चार्ज है, 19 को लास्ट हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर विजिट नहीं करे ज़रूर से जाइए, खास खास बच्चों को दिखाइए। तो आई हूँ मैं एक्वेरियम टनल देखने के लिए, बच्चों को बड़ों को कलरफुल मच्छी, जो भी मच्छी आप देखना चाहते हैं यहाँ पर हर तरह की मच्छी है। तो अंदर चलते हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या है। नीलू को भी साथ में लेके जा रही हूँ, डायरेक्टर साहब पीछे से आ रहे हैं। तो बहुत दिनों से सुना था इसके बारे में। टाइम ही नहीं मिल रहा था, टाइम ही जुड़ के नहीं आ रहा था, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे। तो अभी ये जाने से पहले हम विजिट कर लेंगे बोल के आए। तो गाइस आज आ गए हम लोग, क्या बोलते हैं ना, आपकी जरूर क्या ये ऐसा है। यहाँ पर देखिए अंदर जो फिश हम लोग नहीं देख के रहते वो सब कुछ यहाँ पर है। बोल ही नहीं सकते कि कौसी फिश है कौसी फिश नहीं बोल को। तो यहाँ पर देखिए किस तरह के कलरफुल अंदर का वो नज़ारा बहुत अच्छा है पानी के अंदर। हम लोग सुने थे कि केंगेरी में भी आए, तो केंगेरी में जाने से एक्वेरियम वहाँ से उठा दिए थे, तो फिर हमें इसे ढूंढ को यहाँ पर गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं हुए हम। यहाँ पर आने के बाद बहुत खुशी हुई। मैं सोची कि यहाँ पर ये ट्रेन का डब्बा इतना ही है, 100 रुपये वेस्ट, क्या है यहाँ पर, क्या भी नहीं है बोल के इसी तरह से सोच के। तो अंदर गए तो एकदम से सरप्राइज हो गए, ये देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। फिश टैंक में फिश था उतना ही था, तो थोड़ा सा सैड मोमेंट तो था। तो क्या है यहाँ पर, क्यों इतनी दूर आए हम बोल के। तो अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए सरप्राइज बोलते ना इस तरह से। तो ये देखने के बाद थोड़ा सा चेहरे पे खुशी आई और अच्छा भी लगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाए, वही हम लोग बातें कर रहे थे। माशाल्लाह ये देखिए नज़ारा कितना प्यारा है ने, ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत खुशी भी हुई। वो सामने का रेल का डब्बे कैसा का था मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये नज़ारा मुझे बहुत पसंद है। स्टेटस में बहुत जने डाले थे इस तरह से, हमारे रिलेटिव हो गए या फ्रेंड्स हो गए, तो मैं नहीं गई थी, तो मैं लास्ट में गई थी। थोड़ा सा आदमियों का माहौल भी कम था, आराम से वीडियो बना के लेके आए हम। आइडिया देखो कितना अच्छा दिमाग भगई, अल्लाह ताला कैसे कैसे दिमाग वाले अंक बने, नहीं तो इतना अच्छा ऐसा सब सोचने के वास्ते अदम्याज नहीं रहते थे मेरे ख्याल से।
ऐसा लग रहा था कि ये मच्छियाँ पूरे ऊपर पर जा रही है। अंदर का माहौल ही जैसा था, मुझे ऐसा फीलिंग होता था कितनी बड़ी मच्छी है। देखिए रहेंगी 5-10 किलो तो एक मच्छी आराम से है। हमारे बचपन में पानी में तीरते थे सो देखते थे, ये जनरेशन में ऊपर सिर के ऊपर भी मच्छियाँ ही। देखो विजिट कराओ बच्चियाँ को, ऐसे मच्छियाँ कलरफुल, इनके नाम के साथ दाल को ही पढ़ने के बच्चियाँ को जनरेशन के बारे में मालूम होता है। ऐसी मच्छी है, ऐसा सब कुछ है, बोल को हर तरह की मच्छी है। ऐसा सब माहौल बच्चों को दिखाना चाहिए, छोटे बच्चे हो गए या बड़ों को भी होता एज होकर रहती है ना, उनको भी बुलाला का को दिखाओ। तो यहाँ का सुकून काम में नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर यहाँ पर रुके तो भी आपको यहाँ पर विजिट करना पड़ेगा बच्चों के साथ, ज़रूर से कीजिए। आपको यहाँ का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर से विजिट कीजिए। तो अंदर भी बहुत कुछ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हर चीज़ है यहाँ पर। तो अंदर जाते जाते आपको मेला भी मिलेगा, यानी कि झूले या खाने का हो गया, तो आर्टिफिशियल चीज़ें भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर। पूरे बाहर बॉम्बे दिल्ली से लेके आए शायद। तो यहाँ पर छोटे मोटे बच्चों के पेन हो गए या बुक्स हो गए तो अच्छा लगता है ना। इस तरह के मेले में कुछ भी देखते हैं तो बच्चे पूछते हैं ज़रूर से, कुछ ना कुछ दिलाए तो खुश हो जाते हैं। ये सब ज़्यादा कोई कॉस्टली का आइटम नहीं था, 40 रुपीज़ में बहुत अच्छा था। ला चुकी हूँ मैं, थोड़ी देर बाकी है अमीनो। अंदे हाँ देखो ब्यूटी है, कितना हिटेंट्स पे तस। तो देखिए कितने वैरायटी वैरायटी हैं सब कुछ। ओके अगर आप इनकी तो मैं 200 रुपीज़ देना चार्ज करती हूँ। इसका बुकिंग करें तो हमें एग्जीबिशन के समय चला सकते हैं। कर लिया बता हमारे ये अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा है, हमें भी करें बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाते हैं तो खुश हो जाते हैं। इस जगह पे गए थे इलाय बोल को, एक खुशी उनको जयपुर के शुवाम भी थे। तो यहाँ पर देखिए जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं आपको, यहाँ पर गए तो हर चीज़ मिलती है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर से लेते हैं हम लोग, तो ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साइज़ के चप्पल नहीं थे, वही देख रही थी, ये सब मैं पहनती नहीं इसलिए फिर उठा के रख डाली। अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए शो पीस कितने रकम के हैं, तो मैं वो रिलैक्स दिमाग रिलैक्स करते ना वो भी था यहाँ पर, तो ही उठा के देख रही थी। बहुत सारे आइटम थे लेकिन नए नए में जितना था कि मुझे मालूम नहीं, अभी लास्ट में इतना रहा तो नए में कितना था सोचिए। रश भी वो टाइम पर बहुत ज़्यादा था, वीडियो नहीं बना सकते थे, तो इसलिए मैं अभी 1 वीक रह तक यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ। बहुत सारे आइटम हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थे यहाँ पर, थोड़ा बहुत मैं ली। देखिए पुलाव बन गया है, ये ले दो, ले तो ये उठा कर लेते हैं। ओ ये अच्छा है, खोलो मैम भी है कितना कितना है ये बस तुम है तो अच्छा है ये कितना यहाँ बैठो बैठो बैठ लूँ
हिलो दे यहां बेटा तो वो मैंने बैठे भाई बने बैठे मैं क्या लाऊंगा ये लड़का दस्ते सो वो मेरा का शादी का जारी है यार बंदर नो विजिट मार कोली देगा दूर दिन का बंदी खाली हो पड़ी 19th लास्ट अलग यही दे बिजनेस करवा दीवा करवा दीवा मार के नहीं दिखे नहीं कल नहीं बंदी नहीं हुआ 50 डेज़ आपने ये 90 वाला 55 डेज़ आपने तो यहाँ पर देखिए रखमे वाली चीज़ अंत है तो क्या बोलूँ क्या छोड़ूँ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे यहाँ का तो विज़िट करेंगे तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं बोल को अगर आपको इस तरह का माहौल अच्छा लगे तो ज़रूर से विज़िट कीजिए ये बर्तन धोने का ये बचपन में बड़ा लेना खाते थे मंकी भी नहीं था अभी देखिए क्या क्या आइटम आ गए हैं तो यहाँ पर देखिए किचन के सारे यूज़ करने के चीज़ आ गए तो चलिए यहाँ पर अचार के सेक्शन में जाएंगे बहुत सारे थे यहाँ पर इनके नाम मैं नहीं बोल सकती उतने सारे थे आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में तो मैं तो कुछ नहीं ली मैं तो होममेड घर में बना लेती हूँ ना तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं ली सिर्फ देख रही थी आपके लिए वीडियो बना रही थी बस उतना ही अगर आप जाएंगे तो जो लोग अचार के शौकीन रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर माहौल अच्छा है अचार भी ले सकते हैं तो देखिए अमली का हो गया तो अमली का देख रहे थे हम तो लेने नीलू को बोल रहे थे कि आप चख के देखो बोल के तो अचार वाले दे रहे थे तेल ज़्यादा था तो मसालेदार तेज अच्छा था टेस्ट लेकिन मैंने देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छी थी कभी कभार इस तरह से भी अच्छा लगता है कभी भी सोना ही नहीं पहन सकते हम तो मैं भी अपने लिए नीलू एक लिए तो अच्छा लगता है कभी कभार फैंसी इस तरह से पहनना चाहिए बहुत अच्छे थे आइटम आर्टिफिशियल के हैं हम पर मेले में 50 रुपए का 100 रुपए बोलती 100 रुपए का 200 रुपए बोलती बार्गिंग तो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे तो पट्टा आके 350 रुपए बोल रहे थे बाहर 150 से 170 में मिल जाता है तो वो नहीं लिए चिपके ऐसे ही मैं एक जोड़ी नीलू एक जोड़ी खाना के लिए उतना ये आलू चिप्स
तो ऑलमोस्ट पूरा घूम के हो गए थक हार के। देखते देखते अभी तो रश नहीं है, आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पैर में भी दर्द आ गया था घूम घूम के, तो अंदर का नज़ारा भी देखेंगे। चलिए यहाँ पर झूले वगैरह सब कुछ थे, मैं तो बिल्कुल बैठी नहीं, मुझे तो सिर चक्कर आ गया। तो यहाँ का नज़ारा भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप आना है तो नदी काटो बचाओ। 8 o'clock को हम यहाँ पर रीच हुए, तो 8 से 8:45 तक अंदर घूम रहे थे। उसके बाद टाइम हो गया था, घर भी आना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी देख के बाहर निकल गए। ऐसा बड़ा पसंद मुझे, अरे भर लेंगे आप लेने का ना। तो अगर मिलो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट लाइक शेयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइए। तो इंशाल्लाह कौन कौन देखना चाहती है फोरमाल यहाँ का, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर से यहाँ भी विजिट करूँगी इंशाल्लाह। बेंगलुरु का बहुत बड़ा बना है फोरमाल। एक फ्रेंड की शादी भी अटेंड करना था, तो आते आते एक फ्रेंड की शादी भी अटेंड कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी टाइम भी हो गया था, तो डिनर का टाइम भी हो गया था। नीलू को तो बिल्कुल कुछ भी खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए वो बोल रही थी कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं बोल के। तो यहाँ पर देखिए अंदर का नज़ारा, पानी पूरी सब कुछ था, बहुत अच्छा था डिनर यहाँ का। तो सिर्फ हम भी पानी पूरी खाए थोड़ा बहुत, तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो घर भी जाना था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खाना खा के अभी हम जाएंगे घर। तो बहुत टेस्टी था ये सब कुछ, बहुत टेस्टी था। कुछ ग्लास का था ये मिठाई, ज़रूर से मैं भी ट्राई करूँगी। यहाँ पर देखिए दो पीस तो मैं खा ली, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिनर बहुत अच्छा था। अभी हमें जाना है एक घर। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट्स अच्छे कीजिए। यहाँ का माहौल सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कौन कौन जाना चाहते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए, मुझे भी खुशी होती है। जैसे मैं जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ, आप लोग भी जाएंगे तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरे वीडियो पर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक बहन ने कमेंट्स करे थे कि आप एक दिन अच्छे यूट्यूबर बनोगे, शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह ताला आप इतनी अच्छी बात बोले, आपकी सेहत तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला बरकत दिन दे। आप इतने अच्छे कमेंट्स करें ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे एक और भी अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं आ रहे तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।